नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज का ये खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज पर, उनके लक्षण पर, उनके कारणों पर और जानेंगे उनके उपाय। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए सर। जी, मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंदौर में 2005 से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक क्लिनिक है जो 2005 से इस्टेब्लिश है और उसका नाम है समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। ये इंदौर का, इवन सेंटर इंडिया का, ये पहला ऐसा साइकोलॉजी सेंटर है जो खास तौर पर काम करता है साइकोथेरेपीज पर और काउंसलिंग पर। ये पूरी तरह से ड्रगलेस प्रोसेस होता है, लोगों को मेंटल हेल्थ से बाहर लाने में उनकी मदद करने के लिए ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक और ख़ास तौर पर काउंसलिंग का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर संजीव जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे मनोरोग क्या होता है, इस सबके लक्षण कैसे पता चलते हैं कि ये इंसान मनोरोग ग्रसित है? जी, मनोरोग या जिनको हम मानसिक रोग कह सकते हैं, मानसिक रोग बहुत तरह के होते हैं और मानसिक रोगों को अगर हम दो कैटेगरी में बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कम गंभीर मानसिक रोग, कुछ ज़्यादा गंभीर मानसिक रोग, जिनको हम बोलते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर या न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जो सामान्य सी बीमारियां जो हम जनरली सुनते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी जो ऐसा फोबिया है, ओसीडी वाले केसेस हैं, पैनिक अटैक्स के जो केसेस हैं, ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं। और जो साइकोटिक डिसऑर्डर, जिनको हम गंभीर मानसिक बीमारियाँ कह सकते हैं, इसमें पेशेंट में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसमें सिजोफ्रेनिया है, साइकोसिस है और भी कई तरह की गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं जो इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो हम इनको दो बेसिक उनसे समझ सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि इसके भी बहुत प्रकार होते हैं। तो मानसिक रोग के प्रकार कितने होते हैं सर? मानसिक रोग में जाना, मैंने आपको बताया ना कि दो प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आपकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, फोबिया, ओसीडी, जनरलाइज एंजाइटी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर में कंसीडर किए जाते हैं। और दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर, जिनमें हम सिजोफ्रेनिया है, आपका मूड जो डिसऑर्डर्स है, मैनिक मूड डिसऑर्डर है, या हम इसमें बोल सकते हैं कि जो जिनमें भी डिल्यूजन से हेलुसिनेशन हमको देखने को मिलते हैं, ये सब साइकोसिस में अंतर्गत आते हैं और ये सब साइकोटिक डिसऑर्डर हैं। संजीव जी, तो मानसिक रोग के बेसिक कारण क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ एक स्पेसिफिक कारण तो डेफिनेटली नहीं होंगे कि ये हमें मानसिक रोग की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल, और अगर उसके कारण है तो उसके उपचार भी जरूर होंगे। जी, कारणों में हम खासतौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि बायोसाइकोसोशल कारण होते हैं, बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिसमें ये देखा गया है खासतौर पर जेनेटिक्स, अगर उसके वंश में किसी को, परिवार में किसी को मानसिक बीमारी रही है तो उनसे उनकी पीढ़ियों में ये बीमारी कई बार ट्रांसफर होती है। तो बायोलॉजिकल कारण में कई बार केमिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो किसी वजह से हो सकते हैं और उसमें कोई ड्रग एडिक्शन है या किसी भी तरह की कोई गंभीर तनाव के दौरान या उसके समय जो कोई न्यूरोलॉजिकल जो केमिकल जो चेंजेस आते हैं वो सब बायोलॉजिकल कारणों में आते हैं। और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण में कोई ऐसा स्ट्रेस उसकी लाइफ में आया है या कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा उसकी लाइफ में आया है जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है और उसमें फिर इस तरह से मानसिक डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। तीसरा सोशल कारण जिसको हम कहते हैं, कोई भी इवेंट या डिजास्टर लाइफ में आया है, कोई सोशल चेंज आया है, जैसे कोरोना भी आया है, इस समय बहुत सारे लोग बहुत तरह की मानसिक बीमारियों में जा रहे हैं, तो ये सोशल कारण माना जाता है मानसिक बीमारियों का। तो इसी तरह से इनका इलाज भी बायोसाइकोसोशल है। बायोसाइकोसोशल मतलब बायोलॉजिकल जो इंटरवेंशन होता है जिसमें मेडिसिंस दी जाती हैं या ईसीटी के द्वारा इलाज किया जाता है और या सर्जरी कई बार भी कुछ गंभीर मानसिक बीमारियों में, जैसे एपिलेप्सी वगैरह में या सीवियर ओसीडी में भी कई बार सर्जरी रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ जो होती हैं उनको साइकोथेरेपी कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल तरीका होता है उपचार का। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं जिससे हम उसके जो फियर हैं, उसके जो फोबियाज हैं, उसकी जो एंजाइटीज़ हैं, उनको हम कवर करते हैं, उनसे उसको बाहर लाते हैं। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीके में आता है। और तीसरा सोशल, मतलब अगर उसका कोई सोशल, उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा सोशली, या वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा समाज के साथ में, अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा है, तो फिर हमको सोशल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसमें हम कई बार फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हम उसको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हम ऐसे बहुत सारे सोशल सिचुएशन में एनजीओ की सहायता लेकर या ग्रुप काउंसलिंग के द्वारा या फैमिली काउंसलिंग के द्वारा उस तरह से हम उसको सोशल सपोर्ट। सर लेकिन जैसे आजकल के टाइम में अगर हम किसी को भी बोलते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, तो एक टैबू बना हुआ है, लोग उसके उससे डर के मारे भी डॉक्टर किसके पास नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये टैबू है और काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन अभी थोड़ा सा जागरूकता आई है लोगों में, अब लोग खुल के बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे सामने आए हैं जो अपनी मानसिक बीमारियों पर खुल के बात कर रहे हैं, तो एक स्टिग्मा जो था, एक जो टैबू था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है लोगों में, पर फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और जागरूक होने की ज़रूरत है, एक वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, और जैसे हम शारीरिक बीमारियों के बारे में बात करते हैं, ऐसे हमें खुल के मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी कोई शारीरिक बीमारी किसी से नहीं छुपाते हैं, चाहे वो कितनी भी गंभीर हो, हम चाहे बात करें कैंसर की या हम बात करें डायबिटीज़ की, तो बहुत कॉमनली हम सबको पता होता है कि इनके साथ में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को समझ लेते हैं कि वो पागलों के डॉक्टर, यस यस यस, वो उससे टैबू बहुत बड़ा इशू हो चुका है। जी जी जी, लेकिन इट्स नॉट कि किसी को मानसिक बीमारी है तो वो पागल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मानसिक, खासतौर पर तो ये जो पागल वर्ड जो है ये अब लीगली भी एक्सेप्टेड नहीं है और इसको प्रैक्टिस में भी यूज नहीं किया जाता है, और ये जो मानसिक बीमारियां हैं इनको पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते ये किसी तरह का कोई पागलपन है, ये बिल्कुल भी पागलपन नहीं है, और ये किसी तरह की कमजोरी नहीं है। खासतौर पे इसको एक कमजोरी की तरह भी देखा जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है, तो उसको ये लगता है कि शायद ये मेरी कमजोरी है, जो मैं लोगों को नहीं बताना चाहिए मुझे, जबकि ये एक बीमारी है। जैसे जैसे आपको जब बुखार आता है तो आप काम पर नहीं जा पाते हो, जो आप रिकवर की जा सकती है, तो ऐसे डिप्रेशन एंजाइटी भी एक मानसिक बीमारी है जो परमानेंट नहीं है। सर हम आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हमको किससे कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली डील करते हैं मेडिसिन के साथ, तो मेडिसिन में ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खासतौर पर ट्रेंड होते हैं साइकोथेरेपीज़ में और काउंसलिंग में, तो जो भी कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जिनमें साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और साइकोथेरेपीज़ का ज़्यादा रोल है, तो उन केसेस में हम साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये समझना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और उनका इंटरवेंशन किस तरह से होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि हमको पहले किसके पास जाना चाहिए। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और दोनों का इंटरवेंशन साथ में चलता है तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आप ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा एजुकेट होंगे ये समझने में, ये डिसीजन लेने में कि हमको मेडिसिन हमको किससे पहले कंसल्ट करना चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर बीमारी हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल तो वी हैव टू कंसल्ट साइकोथेरेपिस्ट। नहीं, हम ये कह सकते हैं, यस यस यस, साइकेट्रिस्ट के पास अगर आपका पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, बहुत एग्रेसिव है और सीवियर है, हम ये कह सकते हैं उसमें बहुत सुसाइडल टेंडेंसी है या उसको घर वाले उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसमें कुछ हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा है जो पूरी तरह से कोऑपरेटिव है और अपनी चीज़ों के अपनी बीमारी के प्रति उसके अंदर पूरी इंसाइट है और वो ठीक होना चाहता है, मोटिवेटेड है, तो फिर उसको पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अगर ये लगता है कि इसका मेडिसिन प्रायोरिटी पे सबसे पहले इसका शुरू होना चाहिए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद आपको रेफर करता है साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन पहले अगर उसको ये लगता है कि नहीं अभी साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग से भी इसकी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है तो साइकोथेरेपीज के द्वारा ही उसकी प्रायोरिटी पर हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। यस 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 सर, डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो आजकल नॉर्मल अपने वर्किंग कल्चर स्ट्रेस इतना हो गया है कि हर एज ग्रुप इस स्ट्रेस और डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा है, तो इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय, क्योंकि दिस इज लाइक कॉमन, वी कैन से दैट कॉमन सिम्टम्स, डिप्रेशन इज अ कॉमन सिम्टम इन एवरी एज ग्रुप, तो हर किसी को इससे निजात पाने की आज नहीं तो कल ज़रूरत तो है और हर कोई इससे आज नहीं तो कल गुजर ही रहा है। देखिए अगर हम ऐसी बात करें कि डिप्रेशन समस्याओं की, तो उसमें हमको सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन क्योर, तो अगर हम प्रिकॉशन लें तो हम अगर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, हम अपना थोड़ा सा
ये ध्यान रखें कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं, हम फिजिकल हेल्थ के लिए वॉक करते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत सारे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको अपनी लाइफ में जोड़कर, या हम जो हमारा एक सोशल लेवल पर जो हमारा एक इंट्रैक्शन लोग साथ में होता है, हम जो गैदरिंग करते हैं, उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। तो हम वीक में या हम ऐसा कोई टाइम फिक्स करें कि भाई हमको इतना टाइम इंटरटेनमेंट में भी देना है, आप अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इतना टाइम हमको सोशल गैदरिंग में भी देना, तो इससे भी आप बहुत हद तक अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन, शेयरिंग, तो आप ये बात करना जो कम हो गया है लोगों में, ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम बहुत गप मारते थे, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत सारी बातें हम शेयर करते थे, हमारे अंदर की बहुत सारी चीज़ें रहती थी जो निकल जाती थी, तो पर वो आइसोलेटेड हो गए हम या एक न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, तो अब उतना टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो इस तरह से वो कम्युनिकेशन गैप भी आया है। तो ये भी हम जिस हद तक कोशिश करें कि इसको दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल लेवल पर हम लोगों से कनेक्ट करें, तो इससे भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को। सर, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम कनेक्ट अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया में अपने आप को बेस्ट प्रोट्रे करने के चक्कर में लोग वो सब कर रहे हैं जो उनको शायद वो अपनी असल जिंदगी में भी ना करते हो, झूठ को सच दिखा रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ हमें ले जा रहा है? जो भी है, टेक्नोलॉजी भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गई है, तो हर चीज का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज हैं, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं कि हम बहुत दूर से लोगों से आज कनेक्ट हो सकते हैं, हम बहुत इमोशनल लेवल पर लोगों से साथ अब जुड़ के आप बात कर सकते हैं, लेकिन इससे हो ये रहा है कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड बहुत बढ़ता जा रहा है, हम मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, तो हमारा जो हमारा एक नॉर्मल लाइफ, हाँ, जो ह्यूमन के साथ में जो कनेक्शन होना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन कम होता जा रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने को सोशल मीडिया में तो बहुत इमोशनली एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन लोगों सामने नहीं कर पाते। अगर कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि बहुत अच्छे लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, डिस्टेंस में हैं और वर्चुअली एक दूसरे जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो वो उतना कम्फर्टेबल फील नहीं करते, बोल ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, लेकिन वो सोशल मीडिया में नहीं दिखाई देगी आपको, और आप उसको रियल उसमें आप लोग 10 लोग सामने खड़ा कर दो तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये रियलिटी के साथ थोड़े से अलग हुए हैं और वर्चुअल वर्ल्ड इनका बड़ा है, ये डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेज है। तो हमको ज़्यादा कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम डिजिटल होने की मतलब हमको ये इस तरह के गैजेट्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए और थोड़ा रियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन और कि साइकोथेरेपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है? जी, साइकोथेरेपी कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं और ये खास तौर पर डिसऑर्डर्स क्या है, बीमारी क्या है, उसके हिसाब से बहुत तरह की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जिनको हम साइकोथेरेपी कहते हैं वो डिज़ाइन की गई हैं, और क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको साइकोथेरेपी दी जाती है। जैसे कुछ सेशंस होते हैं, जैसे हम हफ्ते में कई बार 2 बार या हफ्ते में 1 बार हम उसको बंदे को बुलाते हैं और जो 1-to-1 सेशंस होते हैं उसमें, और उसके द्वारा हम उसके जो भी थॉट पैटर्न हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, उनको हम साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से चेंज करते हैं, उससे उसका कॉग्निशन चेंज होता है, उसका सोचने का तरीका चेंज होता है, उससे उसमें बदलाव आते हैं, और जो जिन चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जिन चीज़ों के से उसको एंजाइटी या फियर होता है, तो उसी कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके जिससे हम उसको डिसेंसिटाइज करते हैं उन सारी सिचुएशन से, और वो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी एंजाइटी से, अपने फियर से बाहर आता है। तो ये साइकोथेरेपी होती है, बहुत तरह की साइकोथेरेपी है। जी, बहुत ज़्यादा अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कोरोना से पहले उतने नहीं थे और बड़े हैं, ख़ासतौर पर एंजाइटी के केस बहुत बड़े हैं जिसमें लोगों को कोरोना का फियर डेवलप हुआ है और बहुत तरह की इलनेस को लेकर उनके अंदर एक फियर पैदा हुआ है, डेथ एंजाइटी लोगों में डेवलप हुई है। तो ये कोरोना की वजह से लोग डिप्रेशन में भी आए हैं और इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी हमारे ऑनलाइन केसेस बहुत बढ़ गए में भी आ रहे हैं और जो ऑनलाइन भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी क्लिनिक पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं पता है या तो, क्योंकि और दूसरा वो अभी क्लिनिक में डर की वजह से वो आ नहीं रहे हैं। तो जैसे ही कोरोना कम होता जा रहा है हमारे केस और बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन से भी हम डॉक्टर से डील करके अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हम जैसे अभी तो टेलीमेडिसिन का बहुत चल रहा है, तो लोग मेडिसिन तो ऑलरेडी ऑनलाइन ले रहे हैं, लोग इसमें अवेयर भी हैं, लेकिन लोग इस बात में अवेयर नहीं है कि ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन साइकोथेरेपीज भी वर्क करती हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन साइकोथेरेपी से दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत सेफ रहकर, मतलब कोरोना से एक्सपोजर से दूर रहते हुए, पूरी तरह से और इक्वली इफेक्टिव है, मतलब जो आप
फिजिकली आकर क्लिनिक पर जो आप थेरेपीज लेते हैं और या फिर आप वर्चुअली लेते हैं, दोनों ही बहुत इक्वली इफेक्टिव है और बहुत अच्छे तरीके से इसको की जा रही है। अभी मेरे बहुत सारे केसेज जो हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हैं और वो काफ़ी सेटिस्फाई है। ऑनलाइन में सर एक ऑप्शन होता है ना, पीपल आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी एंड दे कैन स्टिल हैव देयर प्रिकॉशनरी मेडिसिन, वो लोग फिर भी आपसे डील बात करके अपनी प्रॉब्लम तो बता सकते बिना अपनी आइडेंटिटी ओपन करें। आइडेंटिटी के लिए तो हम वैसे भी हम सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ये हमारी पॉलिसी है और ये हमारे हाँ ये हमारे नॉर्म्स हैं कि हम किसी की भी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। और ऑनलाइन में तो आपको और ये सुविधा मिल जाती है कि अब आपको वहाँ पे क्लिनिक पे आते समय लगता है कई बार लोगों को कि कोई मुझे देखे ना कि मैं क्लिनिक पे आ रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। और ऑनलाइन आप कंसल्ट करें, पूरे प्रोसेस अपने बीमारी के बारे में जानें, उसका उपचार जानें और उसमें हमारे साइकोथेरेपी हम किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें हम उसको ऑनलाइन पहले समझाते हैं, उसको प्रॉपर एजुकेट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका जो हमारा मनोवैज्ञानिक तरीका होता है उससे डील करने का, हमको साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो भी हम ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे अवेलेबल हैं और उससे हम उसका डायग्नोसिस और अच्छे तरीके से बना पाते हैं, उससे हमको उसके बारे में काफ़ी डेटा मिलता है जो हम उससे गैदर करते हैं और उसमें हमारा जो साइकोलॉजिकल तरीका होता है उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम चीज़ों को समझने की कॉन्फ्लिक्ट को समझने की, कई बार बहुत पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते सारी बातें शेयर करने को, तो हम उससे वो सारी चीज़ें जान पाते हैं और फिर हम उसमें जो भी उसके लिए प्रॉपर साइकोथेरेपीज होती है या कितने सेशंस उसको रिक्वायर्ड होंगे वो सब उसको गाइड करते हैं और इस सारे ऑनलाइन होते हैं, उसमें बिल्कुल भी एक बार भी उसको आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, जिन्होंने मानसिक रोग के बारे में हमसे जानकारी साझा की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वंदे भारत न्यूज़। मैं थी आपके साथ श्वेता टुटेजा।